गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास, BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, यह एक नगरीय सभ्यता रही थी। सर्वप्रथम इस सभ्यता की जो खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रहा है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज से पूर्व हमें मौर्य काल से पहले की बहुत ही कम मात्रा में जानकारी उपलब्ध थी। अब तक वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता मान लिया गया था, लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज के साथ ही एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा कि वैदिक सभ्यता से भी अगर कोई प्राचीन सभ्यता रही थी तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। इस सभ्यता के अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए थे। यही कारण है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली सभ्यता थी। इस सभ्यता के दो मुख्य नगर रहे थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, चूंकि हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, चूंकि हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ यही कारण रहा कि इस सभ्यता को अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को जॉन मार्शल महोदय ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंडल सभ्यता कहकर पुकारा था, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के जो स्थल है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के जो स्थल है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। यही कारण रहा कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया था। तो इस प्रकार यह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि नामों से जानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा या सैंधव संस्कृति। हड़प्पा या सैंधव संस्कृति के चरण, तो हड़प्पा या सैंधव संस्कृति के तीन चरण रहे थे। हड़प्पा या सैंधव संस्कृति
मध्य मानी जाती है। यह नगरीय जीवन का यह नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल था। नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल था। दूसरा है परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चरण है परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसको माना गया है परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसको रखा गया है। तो यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व है लगभग 700 वर्ष तक रहा। विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व है लगभग 700 वर्ष तक रहा था। तीसरा है उत्तर हड़प्पा। तीसरा है उत्तर हड़प्पा तीसरा चरण, जो कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। यह नगरीय पतन का काल रहा था। यह नगरीय पतन का काल रहा था। जिसे उप सिंधु संस्कृति या हड़पोत्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तीन चरण इस प्रकार से रहे थे, आरंभिक या प्राग हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, तीसरा था उत्तर हड़प्पा। आइए हम देखते हैं समान क्षेत्र एवं संस्कृति, समाधि क्षेत्र एवं संस्कृति। तो पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिसे समाधि क्षेत्र एवं संस्कृति कहा जाता है। पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिसे समाधि क्षेत्र एच संस्कृति कहा जाता है, उसी से ही भारतीय पुरातत्वविद प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार यह थी हड़प्पा संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस सभ्यता के जो मुख्य नगर रहे हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब तक के पूरा तात्विक स्रोत से यह ज्ञात हो चुका है कि इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, कालीबंगा एवं उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक व्यापक था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इस सभ्यता के दो मुख्य नगर रहे थे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इस सभ्यता के दो मुख्य नगर रहे थे। तो पाकिस्तान एवं भारत इन दो देशों में सैंधव सभ्यता का विस्तार मिलता है। पाकिस्तान एवं भारत इन दो स्थलों से इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र मिलता है। इस सभ्यता
का विस्तार मिलता है। इस सभ्यता पाकिस्तान एंड भारत इन दो देशों में इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। इन दो देशों में इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित दो पुरातत्व स्थलों सोतुड़ी घई एवं मुंडी घाट खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित दो पुरातत्व स्थलों सोतुड़ी घई तथा मुंडी घाट खोजे गए हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है अफगानिस्तान में नहीं था, अतः इन बस्तियों को अपवाद स्वरूप ही लिया जाना चाहिए। नंबर एक पे देखते हैं अफगानिस्तान के अंतर्गत इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था अथवा नहीं था। नंबर एक है अफगानिस्तान, तो सोर्थ घई मुंडी घाट ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। आक्सस एवं कोक्चा नदियों के संगम पर सोतुड़ घई स्थित था। सोतुड़ घई के पटुआ के बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत प्राप्त किया गया है। यहाँ से कोलचा नदी से निकले नहरों के अवशेष शुष्क कृषि एवं सैंदव व्यापारी बस्तियों के जो साक्ष्य वह प्राप्त किए गए हैं। आइए अब देखते हैं पाकिस्तान। नंबर दो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान सिंध एवं पंजाब में निम्नलिखित स्थल प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान सिंध पंजाब पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान सिंध पंजाब में निम्नलिखित स्थल प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान सिंध और पंजाब में निम्नलिखित स्थल प्राप्त हुए हैं। नंबर एक है दक्षिण बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान यहाँ के जो प्रमुख स्थल रहे वह है सुतका गेंडोर है बालाकोट एवं डाबरकोट प्रमुख रहे हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल सुतका गेंडकोर
सोतका को है बाल को एवं डाबर को रहे हैं। सुतका गैंडकोर दाशक नदी के तट पर है, जिसे आरेल स्टाइन ने खोजा था। इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। सोतका कोहो शादी को नदी के तट पर है, जिसे जार्ज एफ डेल्स ने खोजा था। डाबर कोट को आरेन स्टाइन ने खोजा। बाल कोट बिंदार नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन का पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, आमीरी, अली मुराद एवं जुड़ेर जोदड़ो यहाँ के प्रमुख स्थल माने गए हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, आमीरी, अली मुराद, जुड़ेर जोदड़ो यहाँ के प्रमुख स्थल रहे हैं। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा डेराई इस्माइल खान, रहमान भेरी, गुमला, जलीलपुर एवं चकपुरबा नेसार यहाँ के प्रमुख स्थल रहे हैं। और आज के भारत में हरियाणा, यहाँ के जो प्रमुख स्थल रहे हैं वह है राखीगढ़ी सीसवल। राखीगढ़ी सीसवल, राखीगढ़ी सीसवल, कुनाल वनावली, कुनाल वनावली, कुनार वनावली, मीठाथल और बालू, मीठाथल और बालू, इसी प्रकार पंजाब में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खन पहला जो स्थल था रोपड़ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला उत्खनित जो स्थल रोपड़ रहा था। पंजाब के साथ पंजाब के प्रमुख स्थल जो निम्नलिखित थे, पहला है रूपनगर अर्थात रोपड़, रूपनगर अर्थात रोपड़, रूपनगर तथा रोपड़, कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, इसके अलावा चक बाड़ा संघोल ढेर माजरा, बाड़ा संघोल ढेर माजरा
माजरा आदि स्थल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा यह चिनाब नदी के तट पर है। जेपी जोशी एवं मधुबाला ने इसे खोजा था। मांडा भारतीय उपमहाद्वीप में सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा रही है। इसी प्रकार चार नंबर पर है राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कालीबंगा, बालाथल, कालीबंगा, बालाथल, कालीबंगा में जुटे हुए खेतों के जो अवशेष प्राप्त किए गए हैं। बालाथल, कालीबंगा एवं तरखान वाला डेरा, एवं तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा आदि प्रमुख स्थल रहे हैं। तरखान वाला डेरा आदि प्रमुख स्थल रहे हैं। राजस्थान में कालीबंगा जो के मानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बालाथल एवं तरखान वाला डेरा प्रमुख स्थल रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, बड़गाम एवं हुलास जो कि सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश जिसमें आलमगीरपुर, बड़गाम एवं मांडी मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है गुजरात। नेक्स्ट है गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में उत्खनन किए गए। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल और उत्तर हड़प्पा काल के 120 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी हड़प्पा उत्तर स्थल है। रोजदी से हाथी के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। गुजरात के खरवी नामक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के मृद भांड एवं तांबे के अवशेष प्राप्त किए गए। हाल ही में खंबात की खाड़ी से एक विशाल नगर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख स्थलों में जल कुंड में उतरती हुई सीढ़ियाँ, आयताकार चबूतरा एवं मिट्टी की मोटी दीवार से बना 183 मीटर लंबा अनागार है। द्वारका एवं बेट द्वारका से, द्वारका एवं बेट द्वारका से हुई हड़प्पा बस्तियों की खोज की गई है। गुजरात के कुछ स्थल कच्छ के रण में और कुछ खंबात की खाड़ी में रहे हैं जो कि निम्नलिखित रूप से है। गुजरात में कुछ स्थल कच्छ के रण में है तो कुछ खंबात की खाड़ी में है। यह स्थल निम्नलिखित रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं गुजरात के अंतर्गत कच्छ का रण एवं खंबात की खाड़ी।
आदि प्रमुख स्थल रहे हैं। कच्छ करण जिसके अंतर्गत धोलावीरा, सुरगोंडा और देसलपुर आदि स्थल रहे हैं। इसी प्रकार खंभात की खाड़ी के अंतर्गत जो प्राप्त स्थल है वह अडनपुर, लोथल, रोजनी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोग, नगवाड़ा, शिकारपुर और मेगम आदि प्रमुख स्थल रहे हैं। तो अभी तक हमें लगभग 2800 स्थलों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इनमें से कुछ स्थल प्राक हड़प्पा के रहे हैं, तो कुछ स्थल परिपक्व हैं, तो कुछ उत्तर हड़प्पा के पाए गए हैं। वहीं कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जैसे सुर कोटड़ा, जैसे कि सुट कोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं वनावली। केवल 7 स्थल ही ऐसे हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली एवं धोलावीरा। तो केवल 7 स्थल ही ऐसे हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली एवं धोलावीरा। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत रहा है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या रहा, इसके निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं आदि की जानकारी हम आने वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।